हमारे साथ मनोज रांगे पाटिल है, जिनकी मांगे सरकार ने मान ली है और अब वो रुक कर रहे हैं फिर से अपने गांव यानी अंतर वाली सराठी जालना की ओर। सर, एक बड़ा विजय उत्सव हम देख रहे हैं। जो कुछ मांगे आपने की थी, सरकार ने खुद आकर यानी मुख्यमंत्री ने आकर सारी मांग ली, कैसा, क्या भावना है, क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा समाज बहुत बड़ा है, 6 करोड़ मराठे, और हम बोला था कि हम मुंबईला जाऊन हमारे नोटिशन करना, परंतु इसने हमको हमारा आरक्षण नहीं दिया था ओबीसी का, फिर हम आप मुंबई को चले गए। फिर भी आप कैसे दीजिए मराठे उसके पास से की जा रही है कि आपने जिन नाते रिश्तेदारों को एक एफिडेविट पर भी कुनबी का सर्टिफिकेट मिले, ये मांग लोग हैं जो लगातार हाथ मिला रहे, कुनबी सर्टिफिकेट मिल जाए ये मांग आपने की है, लेकिन अब जो है लगातार लोग जो मिल रहे, ओबीसी के नेता छगन भुजबल कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है कि एक एक को मिलेगा तो सभी को मिल जाएगा, कोर्ट में ये टिकेगा नहीं। चल गए निकल उनका मत पूछो, जल दो बंगार आदमी। लेकिन आपको लगता है सरकार ने जो कुछ किया वो फुल प्रूफ है? वकील हमारे सब वकील ने रात को पढ़ा है 3 बजे तक, वो चांगला है, कोई होगा नहीं। इसके अलावा आपने जो मांग की थी कि केजी से पीजी तक फ्री में शिक्षण, फ्री में शिक्षा, वो मंजूर हो गई है? मंजूर हो, केजी से पीजी तक सभी बच्चों को फ्री में शिक्षा मिलेगी मराठे के? मूल्य को की थी, अब मूलों को करना है। कौन कौन सी मांगे हैं जो सरकार ने लिखित रूप में आपको दे दी? राजपत्र आदि आदेश कायदा निकाला है देने के लिए, वो देते थे 70 साल से। अब हमने मुंबई में 2-3 करोड़ जाके मराठा 2-3 करोड़ गए और लेके आए जा रहे आरक्षण लेके मराठा। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि ये जो लाखों लोगों का हुजूम आपके साथ निकल पड़ा है, बड़ी सभा आपने वाशी में ली, आप मुंबई की तरफ फिर भी जाना चाहेंगे आने वाले समय में, वहाँ पे विजय उत्सव करने वाले हैं मुंबई में? नहीं, विजय उत्सव दूसरी तरफ करने वाले, लेकिन मुंबई जाना है कभी? मुंबई से जा रहे हैं हम चगाओ के लिए। अच्छा, सवाल ये है कि आपने कहा था कि जो मांग थी कि जो 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 मामले, जो गुना दाखिल हुआ है कई लोगों पर आंदोलन के दरमियान, वो गुने दाखिल हो जाए, आपको लगता है वो सरकार करेगी तुरंत में? आश्वासन दिया आपको जो गुना दाखिल हुआ है अलग अलग मामलों में आंदोलन के दौरान, सरकार उसे वापस ले लेगी? वो मैंने आदेश दिला है ना पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि जब पहले मूक आंदोलन हुए थे उस दरमियान भी कई गुने दाखिल होते जिसको अभी तक वो पूरी तरह वापस नहीं हुए हैं। सब होंगे आप, ये जो लाखों का हुजूम आपके साथ है, क्या आने वाले समय में कोई राजनीतिक संगठन से जुड़ने या अपनी पार्टी शुरू करने का कोई इरादा है? लाखों से नहीं, करोड़ों है पूरे मुंबई में, आमचाज गाड़ा दिख रहा है पूरे मुंबई में, करोड़ों है, लाखों नहीं, कोई राजनीति करने वाला नहीं हूँ, कराची पर नहीं। आने वाले समय में मराठा आरक्षण तो एक मुद्दा रहा ही, इसके अलावा मराठा समाज के कौन से ऐसे मुद्दे और हैं जिसको लगता है कि आप ग्राउंड पे उतर के, रस्ते पे उतर के आप उसे सॉल्व करेंगे, उसे सुलझाएंगे? तो आप गाँव कड़े जाने के बाद हम आगे आगे क्या करना है तो से बात करके ओबीसी के नेता छगन भुजबल कह रहे हैं और बाकी के नेता भी कह रहे हैं कि आपने बैकडोर से एंट्री ली। अरे तेरा क्या अक्कल नहीं, जान दो, आपने अपने हक का लिया लिया और भी लेने वाले। इतना लंबा संघर्ष आपने चलाया 4-4.5 महीने से भी ज्यादा का, क्या भावना है इस वक्त मन में? वो अगर दिनों को याद करते हैं जब आप लोग पे लाठीचार्ज हुआ था, वो दिन से लेके अब तक के दिन को अगर याद करें तो मन में क्या भावना आती है, क्या याद आता है? मराठों के बच्चों का कल्याण हुआ और क्या। अब आप जब घर लौट रहे हैं तो पहले जाके किससे मिलना चाहेंगे, परिवार से मिलेंगे? पहले अंतरवाली गांव में जाएंगे और सगड़े के बैठे घे के फिर आगे का है वो करेंगे।
क्या इस बीच परिवार की याद आती है? समाज परिवार मेरा समाज ही परिवार है, समाज मेरे पार्टी से खड़ा है। अच्छा, इस बीच जो है आपको लगता है ये पूरा विजय मिला है आपको, पूरी जीत है आपकी? पूरा विजय मिला है मेरे माता-पिता और ये जीत हमारा फ्रेंड्स से। अभी और क्या क्या करना बाकी है, अभी और क्या क्या काम बाकी है? चालू रहेगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थे मनोज जोरांगे पाटिल जो सबसे गांव पर रुक कर चुके हैं और हर कहीं सिर्फ और सिर्फ विजय नजर आ रहा है। लोग लगातार इस तरीके से उनका स्वागत कर रहे हैं, हर कहीं गाड़ी रोकी जा रही है। इस पूरे माहौल को देख के क्या लगता है, हर कहीं जो माहौल है वो इस तरीके से बना हुआ है और लोग रुक रुक के इनका स्वागत कर रहे हैं? कैमरामैन अरुण के साथ समीर भिसे, इंडिया टीवी, मुंबई।